नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। खबर डबरा से, जहां कमीशन की लालच में फसल न बिकने से परेशान किसान की हालत बिगड़ी है। आनंद फानन में किसान को किया डबरा हॉस्पिटल में ग्वालियर रेफर। सोसाइटी सर्वेयर जितेंद्र शर्मा ने सैंपल पास करने के लिए की थी किसान से 1000 रुपए की मांग। सर्वेयर को पैसे न देने से नहीं तुल पाई किसान की फसल। सुबह से भूख प्यास से परेशान किसान गश खाकर गिरा जमीन पर, किया ग्वालियर रेफर। नाम है आपका और क्या मामला है? विवेक शर्मा नाम है मेरा, ग्राम ससगांव का रहने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ ट्रॉली आई है सरसों की अपनी, तो मैं सुबह से बैठा हुआ हूँ यहाँ, सुबह से परेशान हो रहा हूँ। पहले तो पता नहीं चल रहा था कौन तोले, बोले ऑपरेटर आ रहा है, ऑपरेटर आ रहा है। ऑपरेटर जैसे ही आ गया, बोले आप हमारे पास मैसेज ही नहीं आया, ऐसे क्या? मेरे पास कागज है पूरे, ये कागज है मेरे पास में सोसाइटी के पूरे। मैंने उसको कागज दिखाए, बोले हमें से कोई मतलब नहीं, हमारे पास में कोई मैसेज नहीं आया, यहाँ तोलाई नहीं हो पाएगी। फिर उन्हें आपस में जैसे ही बात कर ली, चलो ठीक है हम टोकन देंगे किस करके आपका तोल देंगे। उनको मैंने कहा करें कौन है यहाँ के, उनको दिखाया, चेक कराया, बोले आप चेक कर लो अपने हिसाब से कैसे क्या तोलेगा। तो उसने मेरे सेकंड वो क्या नाम उसका जितेंद्र सर्वेयर ने मेरे से बोला साइड में ले जाकर, बोले 1000 रुपये देना आप तुल जाएगा, पैसे तुलेगा नहीं, आपका मैसेज नहीं आया हुआ, आप 1000 रुपये देखो आपका तुल जाएगा। फिर आपने पैसे देने की बात पर क्या? मैंने पैसे देने की बात पर मना कर दिया, मैं पैसे नहीं दे पाऊंगा। इसकी शिकायत की है आपने कहीं? हाँ, मैंने एटीएम साहब को भी फोन लगाया है, तहसीलदार साहब को फोन लगाया है, उन्होंने कहा आप 1 रुपये मत देना, हम इस पर देखते हैं क्या हो सकता है। अभी तक कोई शासन प्रशासन का मदद नहीं मिला, सुबह से परेशान हो रहे हैं, भूखे पैसे डले हुए हैं। ट्रॉली तुल गई आपकी? नहीं सर, नहीं तुली हुई सर, उन्होंने साहब मना कर दिया, जो दिखाए सो कर लेना, यहाँ ट्रॉली नहीं तुल पाई, माल खराब है आपका। जीतने साहब कह दिया माल खराब है, माल नहीं तुल। जैसा कि आपके द्वारा बताया गया था ये माल कल आप तुलवा के गए, जबकि आज पैसे की माल सही था, तुलवाए गए जब तुल दिया था, माल दिया था, अब नहीं तुल रहे। नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। कोरोना महामारी के परिदृश्य में बालाघाट जिला फिलहाल ग्रीन जोन में है, जिसके चलते यहां 4 मई से कुछ शर्तों के आधार पर सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक चुनिंदा दुकानें खोलने की छूट दी गई है, जिसे देखते हुए बालाघाट शहर के अलावा अन्य तहसीलों में लोगों ने नियमों का पालन करते हुए अपनी दुकानें खोल ली है। किन्तु बेहर और बिरसा के व्यापारियों ने जागरूकता का परिचय देते हुए थोड़े से लाभ की अपेक्षा अपने और परिवार वालों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए अपनी दुकानें नहीं खोली। दरअसल इस क्षेत्र में हजारों मजदूर ऐसे बड़े शहरों में वापस आए हैं जो आज भी रेड जोन में है, जिससे उनके मन में कोरोना संक्रमण का खौफ समाया हुआ है और आगामी 17 मई तक अपनी दुकानें बंद रखने का फैसला किया है। इस संबंध में पुलिस अधिकारियों का कहना है कि व्यापारियों का अपना निर्णय है, जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। नागपुर में कितने दिन रहे? दो दिन रखे। अच्छा, वहाँ से पैदल आए आप लोग? नहीं नहीं, अच्छा बस ही बस से आए। अभी कहाँ सीधे घर जाओगे? अच्छा अच्छा, तो आप लोग यहाँ से कुमादई पैदल जा रहे हो? अच्छा, एंट्री कराने जा रहे हो? चलो ठीक ठीक ठीक। लॉकडाउन किया गया पुनः शिक्षा से, इसका प्रमुख कारण? उसका मुख्य कारण ये है कि जो अपना क्या कहते हैं उसको सोशल डिस्टेंस जो है वो मेंटेन नहीं हो पा रहा था, और सर जो लेबर वर्क जो आए थे भीड़ बढ़ रही थी, और अपने आप खतरा महसूस हो तो परिवार बंद कर है वापस जी। जो व्यापारियों ने स्वेच्छा से लॉकडाउन किया है, इससे आप कितना सहमत हैं सर? ये हम लोगों द्वारा इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया पुलिस के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से। व्यापारियों द्वारा सतही जिसमें अधिकांश भीड़ आने की वजह से उन्हें ऐसा लगा कि हमारे सुरक्षा और स्वास्थ्य से खिलवाड़ हो सकता है, भीड़ के दबाव को उन्होंने सोचा कि हमारे परिवार को खतरा है, इस वजह से उन्होंने आपसी सहमति से इसमें दुकानें बंद करने का निर्णय लिया है। इसमें आपको किसी प्रकार की और कठिनाई या किसी प्रकार का और सामना करना पड़ा है क्या? नहीं, सभी लोगों की सहमति है इसमें और प्रशासन द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया इसमें, तो हमारे तरफ से कोई आपत्ति नहीं है। खबर डबरा से है, जहां प्रवासी मजदूरों ने ग्वालियर और दतिया जिले की सीमा में पहुंचकर NH-75 जाम किया है। दतिया प्रशासन द्वारा जिले की सीमा में ना घुसने देने से गुस्साए मजदूरों ने सिंध नदी के पुल पर बैठकर लगाया जाम।
डबरा प्रशासन ने मौके पर मजदूरों को दी समझाइश। स्कूल में रुकाकर डबरा प्रशासन द्वारा किया जा रहा है मजदूरों को घरों तक भेजने की व्यवस्था। सीमा में पहुंचे सभी मजदूर झांसी, कटनी, बांदा, छतरपुर के मजदूरों की संख्या लगभग 300 से 400 है, साथ में छोटे छोटे बच्चे भी हैं। वहीं पर प्रशासन के आश्वासन के बाद सभी प्रवासी मजदूरों को मॉडल स्कूल की 2 मंजिला बिल्डिंग में ठहराया गया है, जहां उनके लिए भोजन पानी की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही साथ उन्हें उनके घर तक पहुंचाने के लिए प्रशासन वाहनों का भी इंतजाम करने में जुटा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदुस्तान टुडे। अरे अल्लाह शांत मत करो, हमारे भी वाले से भगवान होते शांत रहो, बस बैठे रहो आराम से, आसन लगा के बैठे रहो बस। हमारे तो छह बच्चे बैठे सब तरफ है, तुमसे पैसे क्या करो, कहाँ मिल रहा हो पानी ना मिले। सरकार का लक्ष्य भी करके नरवर्स मिल रही है, जहां नरवर से जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नरवर में पहुंचकर संवाददाता धर्मवीर सिंह कुशवाहा के द्वारा डॉक्टर श्री आर आर माथुर के द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण कोविड 19 के विषय पर कुछ जानकारी ली है। सर आपका नाम क्या है? मैं डॉक्टर आर आर माथुर जी। जैसे कि कोरोना वायरस के चलते अपना ये कितने मरीज आए हुए हैं यहाँ पे नरवर में? बाहर से जो लेबर आएंगे 2000 से ऊपर होंगे, 2200 के लगभग मतलब लोग आ चुके हैं यहाँ से। तो मैं 25 लोगों का सैंपल भी कराया, सभी के सैंपल भी टेस्ट कराया कोरोना वायरस सबके लिए। ये कौन कौन से जिले से आए हुए हैं सर? हमारे यहाँ महाराष्ट्र में सांगली से ज़्यादा, महाराष्ट्र सांगली में मतलब प्रॉपर महाराष्ट्र से भी आए हैं, राजस्थान के भीलवाड़ा और जयपुर बीकानेर, मतलब सारे डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट से आए, दिल्ली से भी आए। अभी तक कोई पॉजिटिव नहीं आया? नहीं कोई पॉजिटिव। जैसे कि अब नया कोई पेशेंट है जांच के लिए? हाँ नहीं, पेशेंट कोई नहीं हमारे पास में। जो लोग बाहर से आए हैं हॉट स्पॉट है, जैसे अपने प्रदेश की बात करें भोपाल है और इंदौर है, खास उज्जैन है, खरगोन है, देवास है, इन जिलों में ज़्यादा मतलब वायरस का प्रकोप है महामारी का। तो वहाँ से जो लोग आ रहे हैं तो उनको एहतियात के तौर पर पहले जांच करा रहे हैं, उसके बाद उनको 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन पर भी रख रहे हैं, जिससे कि यदि उनमें कहीं पॉजिटिव के लक्षण हैं तो दूसरे लोगों को ना एक्सपोज करें, इसलिए हम उनके सैंपल लेकर के जांच करा रहे हैं। जैसे कि नरवर में सर, जो अपने नरवर शहर है ये नगर में, तो यहाँ पे कुछ स्थानीय लोग को चेकअप हुआ है क्या अभी तक? हाँ, काफ़ी लोगों का, दो का तो कल ही कराया था, बहुत काफ़ी लोगों का हुआ है नरवर में, 3-4 लोगों का हो चुका है, और किसी में भी कोई इस तरह के और गाँव से सर? हाँ गाँव से ही हो ना, 25 में से ज़्यादातर सभी गाँव के हैं। इंदौर से आए हुए कुछ लोग हैं, 4-5 लोग इंदौर से आए वहाँ के हुए हैं, भीलवाड़ा वालों का हुआ है, और एक कल भोपाल वाला भेजा था, कल ये भोपाल का भेजा था, कल एक नरवर में जो आया इंदौर से उसका भी भेजा था। नरवर में कौन आया सर इंदौर से? नरवर में उसका नाम तो मेरे पास नहीं है, पर कल आया था एक लड़का था, उसका नाम था, हाँ गिरिराज नाम का लड़का था, वो नीरज नाम का लड़का था, वो 20 साल का, करीबन वार्ड नंबर दो में। जैसे अच्छा खुशवा है सर, और आज सैंपल वगैरह कुछ जाएंगे सर? आज 4 सैंपल हैं, जो 4 लोग भीलवाड़ा से आए हुए हैं, और उनके नाम हैं 4 लोग हैं, मतलब आज जो भीलवाड़ा से आए हुए हैं, महाराष्ट्र से सांगली से,
चार लोग जो आए महाराष्ट्र के सांगली से आए, उनका जो सैंपल में कराने के लिए कागज बन गए, गाड़ी आ रही है उस समय आधा घंटे। सर आपके द्वारा लोगों से अपील के लिए आप क्या कह सकते हैं? मैं लोगों से अपील करता हूँ कि आवश्यक काम पड़े तभी मतलब जो घर से बाहर निकले, घर में रहें और अपने घर में रह के कोरोना का मतलब जो फाइटिंग करें, और घर पर जब भी घर से बाहर निकले तो घर मास्क जरूर बांधें, मास्क नहीं हो तो कपड़ा कुछ भी कपड़ा हो उस पर जरूर मुँह पर ढक करके निकलें, और अपने हाथों को बार बार जल्दी जल्दी से धोएं, लोगों से अभिवादन करें, नमस्कार करें, हाथ किसी से ना मिलाएं, गले ना लगाएं, बाहर से कोई आता है तो हमें तत्काल उसकी सूचना दें, उसका परीक्षण करें, घबराएं नहीं कि कोरोना मतलब महामारी आ गई है तो हमें बहुत कुछ नुकसान हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सावधानी कोरोना से लड़ने का ये तरीका है, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, आपस में 1 मीटर की दूरी से लोगों से बात करें, मास्क रखें, बार बार सावधानी से हाथ धोएं, मेरा यही लोगों से निवेदन है। वही देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।